नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से बलपूर्वक विवाह करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, क्या यह सच है या झूठ? देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच कौन सा रिश्ता है, पत्नी का या पुत्री का? क्या आप जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने कितने विवाह किए थे तथा जिस भगवान ने सारे संसार की निर्मित की है उनकी पूजा आराधना क्यों वर्जित मानी जाती है तथा क्यों काटा था भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का पांचवा शीश और किसके श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है? दोस्तों, पौराणिक कथा, आध्यात्मिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शास्त्र सनातन ज्ञान, कथा से प्रेरित हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है और इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। यह परमपिता भगवान ब्रह्मा जी की आश्चर्यजनक और रहस्यमय कथा है, इसलिए हमारे साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए बिना देरी किए इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का क्या रिश्ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार के तीन ही देव हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, भगवान विष्णु इसके पालनकर्ता हैं और शिव शंकर इसके संहारक या विनाशक हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज के विज्ञान में जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसका जिक्र हमारे ब्रह्मांड पुराण में पहले से ही किया गया है, जिसके अनुसार हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और उनकी आयु निश्चित कर दी गई है। दोस्तों, हम सभी तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से हुआ है तथा शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म सदाशिव और शक्ति ने अपने दाहिने अंग से किया था और फिर उन्हें भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी इस संसार का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए उन्होंने एक विद्वान स्त्री की उत्पत्ति की थी और उसे अपने मुख से बाहर निकाला था, जिसका नाम सरस्वती रखा गया। इसी के अनुसार सरस्वती भगवान ब्रह्मा की मन से उत्पन्न होने के कारण उनकी मानस पुत्री हुई। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, आगे सब संसार की निर्माण करनी थी, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी उत्पन्न होगा वह केवल ब्रह्मा जी से ही उनके तेज मन और बुद्धि से निर्माण हो सकता है, क्योंकि उस समय मैथुन क्रिया नहीं थी। इसी कारण से यह देवी सरस्वती उनकी कृति हैं जिन्हें पुत्री नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तब वे ना ही पुरुष लिंग थे और ना ही स्त्री लिंग, वे अविकसित जीव थे और उनका केवल एक ही सिर था। फिर भगवान श्री हरि ने उन्हें उनके जैसा ही यह स्वरूप प्रदान किया और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हुए संसार निर्मित का कार्य सौंप दिया। अपितु ब्रह्मा जी जिस तरह से ब्रह्मांड की निर्मित कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने शरीर में तथा बुद्धि में बदलाव किए। भगवान ब्रह्मा के चार सिर हैं और वे एक पुरुष देवता हैं, यह उनकी ही लीला है जो उन्हें खुद के शरीर में बदलाव किए थे। समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने त्रिदेव में अपना स्थान बना लिया। जब उन्होंने देवी सरस्वती का निर्माण किया तब वे उनके साथ रहकर ही अन्य जीव जंतुओं की निर्मित करने लगे। फिर समय के साथ साथ उन्होंने कुल 49 अपने वंशज निर्माण किए थे। देवी सरस्वती के ही समान ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया था जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है।
उनके नाम हैं अत्रि, अंगर, फुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वरिष्ठ, दक्ष और नारद। इन ऋषियों को प्रजापति भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मुनि, 11 रुद्र, अरणि रुचि, कर्दम, पंच शिखा, अपात्रमा प्रचेता, हंस, यति आदि तथा अलक्ष्मी और शत्रुपा उनकी कन्याएं हैं। जिस तरह देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी, ठीक उसी प्रकार से मन से मार्चि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगर, कान से पुलस्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से कंदर्प का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर ने इस सृष्टि के कल्याण हेतु समय समय पर जन्म या स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपने कुछ अंश अवतारों को जन्म दिया था। विष्णु पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा के 7 अवतारों का वर्णन है और रामायण के जामवंत जी को भी ब्रह्मा का अंश कहा गया है। उनके क्रमशः नाम हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि वत्स चंद्रदेव, बृहस्पति, कालिदास, महर्षि खट्ट और जामवंत। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जिस सरस्वती से भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया था वह अलग हैं तथा उनका निर्माण भगवान श्री विष्णु और आदिशक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से किया था। दोस्तों, आगे हम जानेंगे जिस सरस्वती के साथ भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया था तथा उनका निर्माण भगवान श्री विष्णु और आदिशक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से किया था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जो सती भारती के नाम से भी जानी जाती है, जो भगवान श्री हरि के मुखारविंद से उत्पन्न हुई थी, जो देवी महालक्ष्मी हैं। अतः लक्ष्मी देवी ने ही श्री हरि से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है, उनकी छवि बहुत ही सुंदर है, वे बागेश्वरी नाम से भी प्रख्यात हैं। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक है और 2 में व्याख्याएं हैं। और जो ब्रह्मा जी की पुत्री देवी सरस्वती हैं, उनका भी वर्ण श्वेत है। कुछ समय के पश्चात देवी महासरस्वती का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तथा सरस्वती का ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। देवी महासरस्वती का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के समान माना जाता है। मित्रों, शायद यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको बता दें, सनातन धर्म शास्त्रों में 2 सरस्वती देवियों का वर्णन आता है, एक ब्रह्मा की ही पुत्री तथा दूसरी श्री विष्णु की पत्नी सरस्वती हैं। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक हैं। विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण वह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती हैं। कई शास्त्रों में उन्हें मुरारी बल्लभा विष्णु पत्नी कहकर भी संबोधित किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियों को समान नाम, स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं, इसलिए उनका ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती है। इनमें से सावित्री और सरस्वती का जिक्र ज़्यादातर जगहों पर मिलता है। सरस्वती से विवाह के पश्चात भगवान ब्रह्मा और देवी ने धरती पर अवतार लेकर अपना गृहस्थ जीवन व्याप्त किया। इसी दौरान उन्होंने स्वयंभू, मनु और देवी शत्रुपा को जन्म दिया, जो कि संसार के सबसे पहले स्त्री और पुरुष हैं। कुछ सालों के पहले देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ रहकर सृष्टि निर्माण का कार्य कर रहे थे, तब उनकी सुंदरता और यौवन को देखकर ब्रह्मा जी कामुकता से भर गए और उन्हें पाने के लिए
वे उनके पीछे पड़ गए। जब देवी चारों दिशाओं में छिपने के लिए भाग रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों शीशों से उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढना शुरू किया। अपने ही पिता की कुदृष्टि ऊपर पड़ते देख उन्होंने रूप बदल कर धरती से ऊपर जाने की ठान ली। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपना एक और शीश ऊपर की दिशा में निकाला। तब देवी सरस्वती भगवान शिव के पास चली गई और फिर अपनी रक्षा हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी। उसी समय वे समस्त देवताओं सहित उन्हें लेकर धरती लोक पर अवतरित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया, आप अपनी ही पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकते, यह धर्म के विरुद्ध है। और उनके पुत्र महर्षि मरीच आदि ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्पाप कर रहे हैं। ऐसा तो आपके पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है और ना ही आगे कोई कर पाएगा। हे परमपिता, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम भाव शोभा नहीं देता है। भगवान शिव ने यह जान लिया था ब्रह्मा जी ने अधर्म रूपी बुद्धि का निर्माण किया है और इसी के चलते वे घोर पाप कर रहे हैं। सभी अपने पुत्रों के और देवताओं के इस तरह से समझाने के बाद उन्होंने देवी सरस्वती को छोड़ दिया और अपने मन के इस काम भाव को दूर करने हेतु अपने उस मानव रूपी शरीर का त्याग कर दिया, जिस कारण से वहाँ कोहरा छाया और उससे अंधकार का जन्म हुआ और भगवान शिव ने उनके पापी अधर्मी बुद्धि वाले शिष्य को नष्ट करने की सलाह दी, किंतु उनके ऊपर अहंकार छा गया था। वे उनकी बातों का अनसुना करते हुए वहाँ से अदृश्य हो गए। तभी उन्हें भगवान शिव ने चेतावनी देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मैं आपके इस अहंकारी बुद्धि वाले शिष्य के तीन अपराधों को ही क्षमा करूँगा। आपने पहला दुस्साहस हमारा अनादर करते हुए किया है। दोस्तों, फिर कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा अपराध अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान शिवशंकर और श्रीहरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्रीहरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्रीहरि को तुच्छ प्रकार का संबोधन करते हुए अपमानित भी किया था। तब भगवान शिव और श्रीहरि ने अपने नादान पुत्र को माफ करते हुए वहाँ से चले गए थे। उसके बाद तीसरी बार जब अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हुए स्वयं श्रीहरि के साथ इस विषय पर विवाद किया, तब उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों से यह कहा, आप दोनों में से जो भी इस दिव्य प्रकाश लिंग का अंतिम छोर ढूंढ कर निकालेगा वही आप में से सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय उनकी बातों को सुनकर श्री हरि नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। कई मीलों का सफर करने के बाद भी जब उन्होंने उस लिंग का अंत पता न चला, तब श्री हरि वापस आकर बोले, हे प्रभु, इस लिंग का कोई अंत नहीं है, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। किंतु जब ब्रह्मा जी वापस आ रहे थे तब उन्होंने एक केतकी पुष्प को देखा और उसके साथ अपनी मिली भगत करते हुए अपनी हाँ में हाँ मिलाने को राजी किया। और जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, मैंने आपके इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है तथा इसके आखिरी छोर पर मुझे यह केतकी का पुष्प मिला है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी की मूर्खता को स्वीकार कर लिया था, किंतु वही केतकी पुष्प ने जब ब्रह्मा जी के झूठ में अपनी हामी मिलाई, तब शिव जी ने क्रोधित होकर केतकी पुष्प को श्राप दिया और कहा, हे पुष्प, मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया था और तुम मेरे प्रिय होने वाले थे, किंतु तुमने किसी के अहंकार के वश में आकर स्वयं मुझसे झूठ कहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। इतना कहने के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करने में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए अब जिस मुंह से यह अहंकार भरी बातें कर रहे हो
मैं तुम्हारे अहंकार के साथ साथ इस अहंकारी शीश का भी अंत कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से ब्रह्मा जी का पांचवा शीश काट दिया। जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया तब वे अपनी असली रूप को वापस देखकर भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने नतमस्तक होते हुए कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और वज्रनाभ नाम के असुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। इसी युद्ध के बीच उसने उनके कमलासन की तीन पंखुड़ी पृथ्वी लोक पर जा गिरी। वही स्थान आज राजस्थान में स्थित पुष्कर है। युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी ने धरती का कल्याण हेतु एक यज्ञ का आयोजन उसी जगह पुष्कर में किया। उनके कमल के कारण वहाँ तीन झीलों का निर्माण हो गया। जब यज्ञ का पूरी तरह से आयोजन हो चुका था और ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी पर अपना आसन ग्रहण करके बैठे थे उनकी पत्नी सावित्री देवी अनुपस्थित थी और काफ़ी समय तक उनकी प्रतीक्षा करने के बावजूद भी उन्हें आने में विलंब हो रहा था, जिस कारण से शुभ मुहूर्त का समय बीतता जा रहा था। तभी वहाँ मौजूद सभी ऋषियों तथा श्री हरि के परामर्श से उन्हें अन्य किसी स्त्री के साथ बैठकर इस विध को पूरा करना था। वहीं भगवान श्री हरि के आज्ञा अनुसार देवर्षि नारद ने उसी गांव के शास्त्रों में पारंगत देवी गायत्री को ढूंढ कर लाया। दोस्तों, देवी गायत्री और ब्रह्मा जी ने विधि अनुसार विवाह करते हुए इस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ के सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते ही देवी सावित्री जब वहाँ आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर कोई अन्य स्त्री है। इस बात से उन्हें काफ़ी आहत पहुँची और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद को भी श्राप देते हुए कहा, हे नारद, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता के लिए एक स्त्री का चयन किया है। तुम्हारे अंदर किसी भी स्त्री के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, अतः तुमने अपनी ही माता के साथ धोखा किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन कुंवारे ही रहोगे, तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा। क्रोध से आगे बढ़ते हुए सावित्री ने भगवान श्री हरि से कहा, हे श्री हरि नारायण, आप तो इस जगत के पालनहार हैं, फिर भी आपने यह कैसा दुष्कर्म किया है। एक पत्नी के जीवित होते हुए भी आपने दूसरे विवाह की अनुमति कैसे दी। आपने भी मेरे मन को ठेस पहुंचाया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, यह मेरा श्राप है। फिर सबसे अधिक क्रोधित होकर अपने पति ब्रह्मा जी से सावित्री कहती हैं, हे प्रजापति, आपने केवल एक पूजा को संपन्न कराने हेतु मेरा तिरस्कार करते हुए अन्य स्त्री से विवाह किया है। ऐसा करते हुए क्षण भर भी आपके मन में मेरे लिए स्नेह प्रेम का भाव नहीं आया और आपने जिस पूजा यज्ञ को पूरा करने के लिए दूसरा विवाह किया है, आज मैं इस सारे संसार को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देती हूँ कि आज के बाद से कोई भी पूजा आराधना नहीं करेगा। फिर कुछ समय के पश्चात जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तब भगवान श्री हरि विष्णु और शिव ने उन्हें अपने श्राप को वापस लेने के लिए बहुत मन्नतें की, पर एक स्त्री के कठोर आचरण ने उन्हें क्षमा ना करने की ठान ली थी। तब वे ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं से कहती हैं, यह तो निश्चित है कि श्री हरि को स्त्री वियोग सहना ही पड़ेगा और मेरे स्वामी ब्रह्मा जी का इस पूरे संसार में केवल पुष्कर में ही पूजा होगी और यहीं इनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। इतना कहकर वे सभी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का पूजा करने योग्य मंदिर केवल राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है, जहाँ इस समय बहुत दूर दूर के लोग भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और देवी सावित्री की श्राप की वजह से भगवान श्री हरि विष्णु को राम अवतार में अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। वीडियो में अंत तक बने रहें।